तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं चुका हूँ यार वीडियो के साथ वापस। अब यार देखो, मैंने कल वीडियो वापस से अपलोड नहीं करी। अब उसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, इसलिए भाई मैं ना गेम खेल पाया ना गेम रिकॉर्ड कर पाया, इसलिए मैं जो है वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। अब देखो करते हैं वीडियो की बात। अब देखो तुम्हें पता है कि नहीं, मुझे पता है, मैंने जो है 10R फ़ोन ले लिया है, 1+10R। अब ये फ़ोन मैंने क्यों लिया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ और इसका गेमिंग रिव्यू दूंगा, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता यार मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में क्या गेमिंग में क्या चीज़ें अलग हो जाती हैं। भाई उसी में लोग कन्फ्यूज रहते हैं, वो सोचते रहते हैं भाई मैं क्यों ये मीडियाटेक का लूँ स्नैपड्रैगन का लूँ। वो चीज़ें मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि भाई मैं खुद 10T लेने वाला था, 1+10T जो अभी आया है, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो भी मैं बता दूंगा, मैंने 10R ही क्यों लिया वो चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगा। और दूसरी बात, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या अच्छी चीज़ है, इसमें क्या बुरी चीज़ है। और दूसरा FPS ड्रॉप, FPS लेग, FPS कंपैरिजन दूसरे मोबाइल से, वो चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगा। अब देखो करते हैं इसकी प्राइस की बात। जब मैंने इस फ़ोन को लिया एक महीने पहले, ये मुझे पड़ा 39,000 का, ठीक है। और इसकी अब प्राइस ड्रॉप, मतलब इस फ़ोन का प्राइस ड्रॉप हो चुका है और ये हो गया है भाई 36,000 का, ठीक है। 36,000 का हो गया ये 12GB वाला रैम, मतलब 12GB का जो है वेरियंट उसका, और मेरे पास भी 12GB वाला है, मैंने 39,000 का लिया था। अब देखो यार इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, और हाँ ये 12GB वाला मिल रहा है 36 का, और 8GB वाला मिल रहा है 32 का, तो बहुत सही मिल रहा है। पहले तो महंगा मिला लेकिन हमने खरीद लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो करते हैं मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की बात, कि भाई गेमिंग में इन चीज़ों, मतलब इन दोनों प्रोसेसर में क्या चीज़ें अलग हो जाती हैं। देखो मैं तुम्हें एक सीधी बात बताता हूँ, तुमने कभी आईफोन वाले प्लेयर के साथ गेम खेला है? रूम खेल के देखना उसके साथ, उसकी गोली तुम्हें नहीं चिपकेगी, नहीं नहीं तुम्हारी गोली उसके मुंह पे नहीं चिपकेगी। और जब वो तुम्हारे उस, मतलब आईफोन वाला बंदा तुम्हारे साथ रूम खेलेगा और जब वो गोली चलाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें लगेगा कि भैया इसकी गोलियाँ कैसी चिपक रही हैं, समझ में आ रहा है। तुम खेल के देखना, और कोई कोई से एंड्रॉयड प्लेयर के साथ भी खेल के देखना, तुम बोलोगे अरे यार भाई इसकी गोलियाँ कैसी चिपक रही हैं। मैं बताता हूँ वो क्यों चिपकती हैं। सबसे पहले तो FPS ज़्यादा होते हैं, दूसरी बात मीडियाटेक प्रोसेसर और आईफोन, समझ में आई नहीं आई मैं बताता हूँ। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर में मैंने गेम खेला, बहुत सारे फ़ोन में खेला, नियो 6 में खेला, पोको X3 में खेला, रियलमी 6 में खेला, रियलमी 6 प्रो में खेला, सब में खेला, लेकिन भाई मैंने मीडियाटेक के प्रोसेसर में खेला। मुझे समझ में आ गई कि नहीं, स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर की एमओ गोलियां चिपकती नहीं है, ये तुम लिख के ले लो। मैंने कंपैरिजन कर रखा है, मेरी चैनल पे नहीं है लेकिन मैंने खुद खेल के देखा है, भाई मीडियाटेक की गोलियां चिपकेगी जब तुम मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ, मतलब खेलोगे गेम बंदे के साथ खेलोगे प्रोसेसर वाले बंदे के साथ, तो तुम बोलोगे अरे भाई इसकी गोलियां टक 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 करके कान के पास से निकल रही हैं। ये बात सही है, इसमें स्नैपड्रैगन के साथ वाले के साथ खेलोगे नहीं चिपकेगी भाई, नहीं चिपकेगी। और वही साथ, मतलब वही चीज़ आईफोन के साथ भी होता है, मतलब आईफोन के साथ वाले बंदे के साथ तुम खेलोगे तुम बोलोगे अरे यार इसकी गोलियां चिपकती हैं सब ऐसा, और भाई वैसी गोली थोड़ी बहुत मीडियाटेक के प्रोसेसर में चिपकती है लेकिन स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में नहीं चिपकती, ये बात मेरी सुन लेना। इसलिए जो है मैंने 10T नहीं लिया और 10R ले लिया, क्योंकि भाई मैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में खेल चुका था, इसलिए मुझे जो है मीडियाटेक के प्रोसेसर में खेलना था। अब उसमें कैसा भी गेम चलता, और भाई गेम बहुत सही चलता है मीडियाटेक के प्रोसेसर में, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और अब देखो, अब करते हैं दूसरी बात, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। 10R में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, कभी तुम यूट्यूब के लिए गेमिंग, मतलब फ़ोन ले रहे हो, मतलब तुम यूट्यूब पे रिकॉर्ड करोगे यूट्यूब के लिए और यूट्यूब पे अपलोड करोगे। अब सबसे पहले भाई तुम ये जानो कि यूट्यूब पे वीडियो क्लियर कैसे दिखती है, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो जब तुम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, जब तुम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो 1080 पिक्सल पे रिकॉर्ड, मतलब 1080 पिक्सल पे रिकॉर्ड करोगे और उसको काइनमास्टर से एक्सपोर्ट करोगे 1440 पिक्सल पे, तो वो क्लियर दिखेगी, ठीक है। और तुम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे 1440 पिक्सल पे, मतलब 1440 पिक्सल पे रिकॉर्ड करोगे और तुम उसे 2K पे एक्सपोर्ट करोगे, मतलब 4K पे एक्सपोर्ट करोगे, या 2040 पिक्सल पे एक्सपोर्ट करोगे, तो वो यूट्यूब पे क्लियर दिखेगी। लेकिन इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग 1080 से ऊपर नहीं होती है, ये बात मेरी ध्यान रखना। तो तुम ये ऐसा सोचते हो कि भाई तुम्हारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, भाई मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए 1440 और उस पर एक्सपोर्ट कर दूँ मैं काइनमास्टर पे जाके 4K, तो भाई मेरी यूट्यूब पे क्लियर दिखने लगेगी। ऐसा नहीं है भाई,
1080 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। अब तुम अपने हिसाब से देख लो मेरी भाई, तुम 1440 पिक्सल पे वीडियो देख रहे हो तो तुम अंदाजा लगा सकते हो जब तुम्हारी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी और जब तुम 2K पे एक्सपोर्ट करोगे, मतलब 1440 पे एक्सपोर्ट करोगे या 1440 पे या 2400 पिक्सल पे एक्सपोर्ट करोगे वीडियो को, तो कैसी दिखेगी तुम देख सकते हो। ऐसी दिखेगी जैसी मेरी दिख रही है। अब तुम्हें ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब क्लियर दिख रही है अच्छी, तो भाई तुम ले सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। अब दूसरी बात करते हैं इसके FPS कंपैरिजन, ठीक है। तुमने IQ Neo 6 में गेम खेला है, उसमें 90 FPS चलता है और वो कितने का आता है भाई? 29 का आता है। वो खेल के देखा है उसमें गेम भाई, उसका 90 FPS इसके 60 FPS से भी घटिया चलता है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, हाँ उसका 90 FPS तुम जब खेलोगे ना भाई, तुम्हें इतना स्मूथ चलेगा गेम। मैं उस टाइप की स्मूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें गेम लगेगा कि भाई बिल्कुल लेग नहीं कर रहा है। हाँ उसमें लेग बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन तुम्हें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इसमें 90 FPS भी चलता है क्या। तुम उसकी जगह कॉन्फ्रिग लगा लो और तुम कॉन्फ्रिग लगा के गेम खेलो भाई, वैसा ही स्मूथनेस देगा। लेकिन भाई जो मेरे 10R का 60 FPS है भाई, वो कॉन्फ्रिक जितना भी मतलब कॉन्फ्रिक से 10 गुना ज़्यादा स्मूथ चलता है। इसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब देखो यार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम कॉन्फ्रिक लगा लो अपने मोबाइल में, नहीं कॉन्फ्रिक भाई बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। कभी तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरा जो है फ़ोन हॉट ड्रॉप पे आ गया, थोड़ा बहुत लेग हो रहा है, फिर मैं बंदे मार रहा हूँ, फिर एक आध दो बंदे रश कर रहे हैं, मतलब टीमें रश कर रही हैं, वो लेग हो रहा है, तो भाई कॉन्फ्रिक बिल्कुल मत लगाना, तुम्हारा मोबाइल बहुत सही चल रहा है, ठीक है। कभी तुम्हारा मोबाइल इतना गंदा चल रहा है कि भाई साहब बंदे नहीं आ रहा है, एक बंदा आ रहा है रश करने और भाई लेग हो रहा है, तो कॉन्फ्रिक लगाओ। लेकिन भाई तुम्हारा थोड़ा बहुत भी गेम अच्छा चल रहा है, बिल्कुल कॉन्फ्रिक मत करो। कॉन्फ्रिक लगाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और लगाने के पहले क्या आती हैं वो तो तुम्हें पता चल जाता है, लेकिन भाई कॉन्फ्रिक लगाने के बाद उससे डबल प्रॉब्लम आती हैं, वो चीज़ भी आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं भाई बहुत, वो तुम्हें मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। अब देखो, अब इसकी अच्छी बातें हो गई और इसकी एक दो अच्छी बातें बता देता हूँ मैं। और क्या है इसकी अच्छी बातें, ये है कि भाई चार्जिंग बहुत फास्ट होता है, ठीक है। 80W की चार्जिंग है, बहुत फास्ट होता है सही में ही भाई। कभी तुमने 33W का चार्जर यूज़ किया है तो भाई उससे वही बहुत ही फास्ट चार्जिंग होती है। और दूसरा है इसका लाइट वेट भाई, बहुत ही ज़्यादा हल्का है। मेरा पोको X3 250 ग्राम का था, उसको तुम हाथ में लो तो भाई बहुत वजनदार लगता था, तुम्हारा हाथ ज़मीन में घुस जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा वजनदार लगता था। ये भाई ये इतना हल्का है ना, इसका जायरो भी बहुत ईजिली मूव हो जाता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती जायरो में। और ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये अच्छी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसको लेने के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली बात इसके टच इशू, इसमें टच इशू है ना। टच इशू कैसा है मैं तुम्हें बताता हूँ। कभी तुम 4 Finger Plus जायरो खेलते हो, 5 Finger Plus जायरो खेलते हो तो उसमें दिक्कतें आएंगी तुम्हें। कभी तुम अपने स्क्रीन के मोबाइल की स्क्रीन पे 4 Finger Plus जायरो खेल रहे हो तो तुमने कभी चारों फिंगर मतलब दो थंब और दो उंगलियां कभी तुमने स्क्रीन पे रख दी ना, तो तुम्हारी स्क्रीन अपने आप स्क्रीन शेक होने लगेगी। क्या पता भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कभी 5 Finger या 4 Finger एक साथ अपनी स्क्रीन पे रख देता हूँ ना, तो भाई इसमें अपने आप स्क्रीन शेक होने लगता है, ऊपर नीचे स्क्रीन होने लगती है, जिससे तुम्हारा एम बिगड़ जाता है। हाँ ये प्रॉब्लम अपडेट के बाद फिक्स हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम है FPS ड्रॉप। हाँ इस फ़ोन में FPS ड्रॉप होता है, समझ में आ रही बात, लेग नहीं होता है। सुनो FPS ड्रॉप और लेग में अलग प्रॉब्लम है। FPS ड्रॉप होते हैं जैसे 60 से 40 FPS पहुँच जाता है जब हीट होता है, ठीक है, फ़ोन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो FPS ड्रॉप करता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि FPS ड्रॉप कर देता है कम टेम्परेचर में भी, मतलब 10 में से समझ लो एक दो मैच में कम टेम्परेचर में FPS ड्रॉप करता है। लेकिन कभी हीट हो रहा है तो भाई 10 में से 3 से 4 मैच में FPS ड्रॉप करेगा, ऐसा नहीं भाई 60 से 40 FPS ड्रॉप करेगा बस, और थोड़ी देर एक दो मिनट बाद वापस से सही भी हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई कंटिन्यूसली FPS ड्रॉप कर रहा है, नहीं 60 से 40 होगा। मैंने खुद मतलब सिस्टम स्टेटस से इसका टूल से जाके उसके FPS देखे तो भाई देखा मैंने 60 से 40 पहुँचता है, ठीक है, उससे नीचे नहीं पहुँचता है, उतने पे ही रहता है और वापस से 60 पे जाता है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, गेमिंग में नहीं है वो मैं सेटिंग में जाके बता रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन ओएस नहीं है। हाँ अब तुम बोलोगे अबे ये क्या है वे, नहीं इसमें सही में ऑक्सीजन ओएस नहीं है, सिर्फ देखने का है, इसमें फन टच ओएस है, ठीक है। ऑक्सीजन ओएस तुम सेटिंग में जाके देख लोगे, अपडेट है भाई साहब 12.1 का हो रहा, वाह ऑक्सीजन ओएस चलाएंगे हलवे जैसा, नहीं इसमें फन टच ओएस डाला है, ऑक्सीजन ओएस बहुत कम है, फन टच ओएस बहुत ज़्यादा है। जैसे कभी तुम इसका गेमिंग टूल निकालोगे तो वो फन टच ओएस का है, समझ में आ रहा है, फन टच ओएस का है मेरे तरह वीवो और ओप्पो में वो है, ठीक है।
तो भाई यही था यार, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बता दी मैंने तुम्हें, अच्छा भी बता दी। और कभी तुम और सवाल पूछने हो मुझसे तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सबके आंसर दूंगा। और भाई यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।